नमस्कार, चुनाव यात्रा में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारे साथ हैं कुंडा विधानसभा सीट से 7 बार के विधायक, जनसत्ता दल पार्टी के अध्यक्ष राजा भैया। राजा भैया, बहुत स्वागत है आपका। मैं पहला सवाल आपसे यही कर लेता हूं कि इस बार कुंडा में, प्रतापगढ़ में, कौशाम्बी में हवा का रुख किधर है? प्रत्याशी के प्रति एंटी इनकम्बेंसी है जो सिटिंग एमपी है। आपने साफ सवाल किया तो साफ उसका उत्तर, जो मौजूदा सांसद हैं उनके प्रति एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है। सांसद के खिलाफ, सरकार के खिलाफ नहीं? नहीं, सरकार सरकार के खिलाफ नहीं, नेतृत्व के खिलाफ नहीं, लेकिन स्थानीय प्रत्याशी जो हैं, जो सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ है। आपने जिस दिन से ऐलान किया कि इस बार आप न्यूट्रल हैं, आपने अपने समर्थकों को, अपने वोटर्स को कहा कि आपको जिसको मन करे आप वोट करिए, उसके बाद से आपसे इस पर अनेक सवाल किए गए। लेकिन मैं उससे आगे जाकर एक सवाल करूंगा आपसे कि लगातार ये चर्चा रही कि बीजेपी के साथ आपकी नजदीकियां हैं, इस बार बात बन सकती है एक दो सीटों को लेकर, बात कहां नहीं बन पाई राजा भैया? देखिए, आप सीधे निष्कर्ष पे आ जाइए कि गठबंधन किसी दल से नहीं हुआ। अब जब नहीं हुआ तो हमने प्रत्याशी भी नहीं लड़ाया। अब सारे कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक और प्रदेश भर के, वो बराबर उनका ही प्रश्न था कि अब हम किसके साथ जाएं, किसको समर्थन करें। तो एक कार्यकर्ता महासम्मेलन के माध्यम से सबकी राय जानने के बाद हमने ये कहा कि आप स्वेच्छा से जिसको चाहें उसको मतदान करें। तो अब लोग स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं, मतदान शांतिपूर्ण चल रहा है, सुचारू ढंग से चल रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चल रहा है। चूंकि आप खुद भी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि राजनीति में ऐसे विरले ही उदाहरण हैं बहुत, हाँ, जब किसी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा हो कि आप लोग तय कर लीजिए कि कौन सा रास्ता आपको चुनना है, तो ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि हमने बताया ना परिस्थिति, न किसी से गठबंधन और न हमने प्रत्याशी लड़ाया। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात यह है कि ये निर्णय सभी कार्यकर्ता, समर्थक, उनके द्वारा सराहा गया, उनके द्वारा पसंद किया गया। असल में सवाल मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करने, नहीं यही सवाल हर पत्रकार कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। नहीं नहीं, मैं पिछले 3-4 दिनों से इसी प्रश्न का उत्तर मैं देता आ रहा हूं। असल में राजा भैया, सियासत में या तो आप किसी के साथ होते हो या किसी के विरोध में होते हो, ये अपने समर्थकों को और कार्यकर्ताओं को इस मनोस्थिति में छोड़ देना कि आप ही तय करो कि आपको क्या करना है। देखिए, पहले बात ये जो आपने एक शब्द कहा, छोड़ देना, उनके विवेक पर, हम तो आजीवन नहीं छोड़ सकते हैं, न वो हमको आजीवन छोड़ सकते हैं। और अगर आपने ये कहा है कि आप स्वेच्छा से मतदान करें तो इसमें गलत नहीं, बल्कि अपने समर्थकों को हमने ये अधिकार दिया है कि वो स्वेच्छा से जिसको चाहें उसको आशीर्वाद दें। तो हम अपने निर्णय पर स्टैंड करते हैं, जिनकी बदौलत हम हैं उनके द्वारा ये निर्णय पसंद किया गया, तो हमारे लिए ये उपलब्धि है। ओके, बेंगलुरु में आपके अमित शाह से मुलाकात हुई, इसको लेकर आपने कई बार अपनी बात भी रखी है, बातचीत भी बहुत अच्छी हुई थी आप बता रहे हैं, लेकिन वो नॉमिनेशन के बाद वो मुलाकात हुई थी, नॉमिनेशन के बाद हुई थी। तो क्या आप कुंडा और कौशाम्बी सीट चाहते थे पहले से, मतलब ऐसी कोई बात आपकी तरफ से रखी गई थी बीजेपी के सामने? नहीं, कुंडा तो असेंबली है, माफ कीजिएगा, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी। हाँ बिल्कुल, हमारी इच्छा थी कि हमारा गठबंधन हो और जनसत्ता दल का प्रत्याशी यहां लड़े, नहीं हो सका, कोई बात नहीं, तो उसी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया कि सारे समर्थक कार्यकर्ता, क्योंकि किसी से अलायंस नहीं है और एक बड़ा दायित्व तो होता है अगर हम किसी के लिए वोट मांगते हैं, किसी के लिए समर्थन मांगते हैं, तो हम एकदम दायित्व मुक्त हैं, चिंता मुक्त हैं। ये प्रयास आपकी तरफ से कब शुरू किया गया, या बातचीत कब शुरू हुई कि आपको प्रतापगढ़ और कौशाम्बी सीट मिलनी चाहिए, जब आपने राज्यसभा चुनाव के दौरान सपोर्ट किया उस दौरान? नहीं नहीं, उस दौरान में, उसके राज्यसभा के बाद है, और राज्यसभा के चुनाव में हमने कभी कोई शर्त नहीं रखी। पिछले 6-7 वर्षों से हर 2 साल पे चुनाव होता है और बिना किसी कीमत, बिना किसी शर्त, बिना किसी नखरे के बराबर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देते रहे, हम भी देते रहे, विनोद सरोज जो बाबागंज के विधायक हैं उन्होंने भी। आप जिस तरीके से निस्वार्थ भाव से सपोर्ट करते रहे हैं, क्या उसको बीजेपी ने समझा नहीं या उसके बदले रिवर्ट नहीं किया? इस पे हम अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा और सारगर्भित प्रश्न है आपका, लेकिन
ये हम कहेंगे कि अभी इसका कोई औचित्य नहीं है। आज अभी पोलिंग हो रही है और सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के, अधिकांश कार्यकर्ता एक तरफ हैं जैसा कि आपको पता ही होगा, तो हमारे लिए हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सहयोगी वो प्रसन्न हों, वो हमारे निर्णय से सहमत हों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मुझे बता रहा जब भी आपको वोट करने जाना है, लेकिन मैं आखिरी के दो तीन सवाल जी बस आखिरी का एक पूछ लीजिए बस। इससे नुकसान होगा बीजेपी को, आप ये कह देंगे? देखिए, हम ये कहेंगे कि कई प्रत्याशी ऐसे हैं जिनके आचार व्यवहार से, जिनकी बोली भाषा से लोगों में आक्रोश है, और खासतौर से जब कोई चुनाव में जीत जाता है और उसका व्यवहार बदल जाता है, तो जनता जनार्दन खूब अच्छी तरीके से समझती है कि चुनाव के समय इनका क्या व्यवहार था और निर्वाचित होने के बाद। और यही कारण है देखिए कि कई बार भारी मतों के अंतर से जीते हुए लोग हार जाते हैं, कई बार लंबी पारी, एक ही पार्टी की बात कर रहे हैं कि एक ही पार्टी के दो प्रत्याशी, वो उनको जनता अपना आशीर्वाद देती रहती है। तो विकास बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन विकास के साथ साथ ये भी है कि उस प्रत्याशी का या उस सांसद या विधायक या जो भी राजनेता है उसका आचरण कैसा है, व्यवहार कैसा है, और जनसुलभता कितनी है, अपने वोटर के साथ कनेक्ट कैसा है। क्योंकि हम सब जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए। हर समस्या जो है विकास, व्यक्तिगत बहुत सी समस्याएं होती हैं, थाना कचहरी कोतवाली, कहीं झूठा मुकदमा हुआ, तो उसमें ये लगना चाहिए कि हाँ हमारा नेता हमारे साथ खड़ा है, हमारे साथ अगर कुछ गलत हो रहा है तो हमारा नेता हमारी रक्षा करेगा, सच्चाई के लिए आवाज उठाएगा, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आगे की राह क्या होगी? श्रीहरि इच्छा। अखिलेश यादव सब कोई शिकायत नहीं? कोई शिकायत नहीं, कोई मन मिल गए, कोई शिकायत नहीं। तो 27 में कोई संभावना बन सकती है साथ जाने? देखा जाए, अभी तो भेंट का सिलसिला चलता रहेगा। उनसे मुलाकात नहीं हुई अभी तक आपकी? नहीं, इस बीच नहीं हुई। ठीक है राजा भाई, आपको वोट करने के लिए जाना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपने समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद भैया।